हे गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो एवन टेक्निकल सॉल्यूशन। गाइस, क्या आपका लैपटॉप आपका पीसी ज्यादा डेटा खाता है? गाइस, अगर आपका लैपटॉप आपका पीसी आपका सिस्टम ज्यादा डेटा खाता है तो गाइस आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ एक ट्रिक जिसके थ्रू आप अपने डेटा को सेव कर पाएंगे, अपने डेटा को बचा पाएंगे। तो गाइज, अगर आपका भी लैपटॉप ज्यादा डेटा खा रहा है, आपका पीसी ज्यादा डेटा खा रहा है, तो गाइज आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए, जिससे हर एक पॉइंट आपको समझ में आए और आप वो सेटिंग करके अपने डेटा को सेव कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को, चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम अपने लैपटॉप का, अपने पीसी का, अपने सिस्टम का डेटा को कैसे सेव कर सकते हैं, अपने डेटा को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं स्क्रीन पर। हे गाइज, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखते हैं हमारा कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिख रहा है। तो गाइज, होता क्या है, जब हम अपने वाईफाई कनेक्ट करते हैं, जी हाँ वाईफाई कनेक्ट करते हैं और अपने सिस्टम में अपने पीसी में वाईफाई चलाने की कोशिश करते हैं, तो आपका पीसी आपका सिस्टम जब ज़्यादा डेटा खाता है आपका, तो कुछ ही मिनटों में कुछ ही सेकेंड में आपके पूरे के पूरे डेटा ख़त्म कर जाते हैं। तो गाइज, उससे बचने के लिए हमें क्या करने होंगे, कौन से सेटिंग करने होंगे, ये सेटिंग आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको करने क्या होंगे गाइज, पहले तो हमें अपने विंडो ऑटो अपडेट को स्टॉप करने होंगे। जी हाँ, हमारी विंडो ऑटोमेटिक अपडेट होती है, जैसे ही हम नेट कनेक्ट करते हैं हमारी विंडो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगती है। तो गाइज, पहले हमें उसे ऑफ करने होंगे, उसके बाद मैं दूसरे स्टेप में चलूंगा और दूसरे ट्रिक को बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल डेटा को सेव कर पाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे आप देखते हैं टाइप हियर टू सर्च, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज, आपको यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको सर्च करने हैं, क्या सर्च करने हैं, तो आपको यहाँ पे सर्च करने हैं सर्विस, तो यहाँ पे आप सर्विस लिखेंगे। आप गाइज, जैसे ही सर्विस लिखोगे आपको सर्विस का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। आप देखते हैं इस प्रकार से कुछ आइकन आपको दिखने वाले हैं। तो गाइज, अब इस सर्विस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज, आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग है जो आपको देखने को मिलेंगे। अब गाइज, आपको धीरे धीरे इसे स्क्रॉल करनी है और यहाँ पे आपको ढूंढने हैं विंडो अपडेट। क्या ढूंढने हैं? विंडो अपडेट। अब चलिए हम स्क्रॉल कर लेते हैं धीरे धीरे और यहाँ पे हम विंडो अपडेट को ढूंढ लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देखते हैं हमें विंडो अपडेट मिल चुका है। तो ये विंडो अपडेट आपको मिल चुका है। अब गाइज, करने क्या है, तो आपको इस विंडो अपडेट पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। स्टॉप, इस पे आपको क्लिक करना है। तो स्टॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज, आपका ऑटो अपडेट बंद हो जाएगा। अब गाइज, आपको करने क्या है, जैसे ही आपका ये ऑटो अपडेट बंद हो जाएगा, आपको यहाँ पे मेनू एक देखने को मिलेगा। इस मेनू पे क्लिक करना है और इसे डिसेबल कर देना है। जी हाँ, डिसेबल कर देना है और इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसे ओके कर देंगे। अब गाइज, आपका ऑटो अपडेट बंद हो चुका है, ये डिसेबल हो चुका है। तो आपको डिसेबल कर देना है अपने विंडो अपडेट को। अब आप जैसे ही अपने नेट को कनेक्ट करेंगे तो ये आपका डेटा को कम खाएगा नहीं खाएगा गाइज। इसे करने के बाद आपको करने क्या है, अपने सिस्टम को शट डाउन कर देना है। क्या करने हैं? शट डाउन। जी हाँ, शट डाउन कर देना है। तो चलिए इसे आप यहाँ से कट कर देंगे। अब गाइज, कट करने के बाद आपको अपने सिस्टम को ऑफ कर देना है, शट डाउन कर देना है। आप यहाँ पे शट डाउन कर देंगे गाइज। यहाँ पे मैं शट डाउन नहीं करता हूँ, दूसरे सेटिंग की ओर चलता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम के लिए, आपके डेटा को सेव करने के लिए। तो गाइज, दूसरा सेटिंग क्या है गाइज, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वाईफाई। जी हाँ, वाईफाई जिससे आपका नेट कनेक्टेड होता है। तो गाइज, इस पर आपको क्लिक करने हैं गाइज। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जितने भी वाईफाई ओपन होंगे वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं गाइज। अब आपका जिस वाईफाई से कनेक्टेड है आपका सिस्टम आपका पीसी, उस वाईफाई को आप देख सकते हो या उस वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखते हो हमारा सिस्टम हमारा पीसी हमारा लैपटॉप देसी बॉय से कनेक्टेड है फिलहाल। तो गाइज, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाता है, प्रॉपर्टीज, इस पर आपको क्लिक करने हैं। अब गाइज, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको देखने को मिलता है सेट एज अ मेथड कनेक्शन, मतलब ये मेथड है कनेक्शन का। और यहाँ पे आपको एक टॉगल बटन भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको ऑफ लिखा हुआ मिल जाता है और ऑफ ऑन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑन करते हैं ऑफ करते हैं गाइज। यहाँ पे नीचे में आप देखते हैं और पढ़ सकते हैं कि इफ यू सेट अ डेटा लिमिट विंडो विल सेट द मैथड ऑफ कनेक्शन सेटिंग फॉर यू टू हेल्प यू स्टे अंडर योर लिमिट। मतलब गाइज, यहाँ कहने का ये है कि गाइज, अगर आप अपने डेटा को सेव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप जो चीज़ यूज कर रहे हो अपने सिस्टम में, जो चीज़ यूज कर रहे हो अपने पीसी में, सपोज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो सिर्फ आप उस यूट्यूब के लिए ही आप डेटा को खर्चा करो, या आपने किसी ब्राउजर को ओपन कर रखा है तो सिर्फ वो
ब्राउजर ही आपका डेटा को एब्जर्व करे, तो यहाँ पे आप इस टॉगल बटन को ऑन कर दोगे। जैसे ही ऑन करोगे, आपका डेटा खाना, आपका डेटा इन्वेस्ट होना, आपका डेटा बर्बाद होना बच जाएगा गाइज, और आप अपने मोबाइल का डेटा को बचा पाओगे। जैसे कि आप पहले अपने डेटा को जैसे ही कनेक्ट करते, अपने वाईफाई को जैसे ही कनेक्ट करते, ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा डेटा फिनिश हो जाता था, मतलब कुछ मिनटों में, कुछ सेकेंड में सारा का सारा डेटा ख़त्म हो जाता था। बट यहाँ पे अब क्या होगा गाइज, आपके डेटा सेव हो जाएंगे, वो डेटा अब ख़त्म नहीं होंगे। तो गाइज़ आप इस टॉगल बटन को ऑन कर लीजिएगा और आप अपने डेटा को सेव कर पाएंगे और आप अपने डेटा को बचा पाएंगे। गाइज यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ में सेटिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और गाइज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करके आप इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। और गाइज मैं हमेशा आपके सपोर्ट के लिए एक्टिव रहता हूँ और हमेशा मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का कोशिश करता हूँ। तो गाइज अगर आपको इस किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। गाइज अगर इस चैनल पे आप नए हो तो यार सब्सक्राइब मार दो और बेल आइकन को दबाना, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहे और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देख पाओ। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि वीडियो ये कैसी लगी। हे गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया और आप सब ये सेटिंग करके अपने डेटा को सेव कर पाए। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देख पाओ। गाइज इसी प्रकार से मैं टिप्स शेयर करते रहता हूं आप सबको, एक नया ट्रिक बताते रहता हूं, तो गाइज आपको वो अपडेट मिलती रहे। और तो चलिए फिर वीडियो को यहीं करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, टेक केयर।